बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की तो सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नीतीश कुमार का प्लान क्या है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि नीतीश कुमार 2024 के लिए बड़ी विपक्षी एकता के सूत्रधार बनना चाहते हैं। बुधवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की तो चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार कांग्रेस की विचारधारा से तालमेल बिठाएंगे। हालांकि वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की तो यह भी चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार उन दलों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी रखते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की जो लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर है और इन दिनों पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस से दूरी भी रखते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव और वामपंथी दलों को साथ लाने की जिम्मेदारी ली है। पटना में केसीआर के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात की खूब चर्चा भी हुई थी। जेडीयू नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले को नीतीश फॉर्मूला कह रही है, जिसके सहारे विपक्षी दल 2024 में बीजेपी से टकराएंगे। वहीं कांग्रेस उद्धव ठाकरे, झामुमो और शरद पवार की एनसीपी को साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। नीतीश कुमार के इस फॉर्मूले के इतर इस बात पर चर्चा होना जरूरी है कि आखिर 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। दरअसल नीतीश कुमार के फॉर्मूले के तहत विपक्ष की प्लानिंग यह है कि बीजेपी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार उतारा जाए। हालांकि प्लान यह भी है कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाए और पीएम चेहरे पर फिलहाल बात न हो, चुनाव नतीजों के बाद इस पर चर्चा हो। यही वजह है कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कुछ भी नहीं कहा। वहीं जब अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार मीडिया से बात कर रहे थे तो पीएम के चेहरे वाले सवाल को उन्होंने रोक दिया।